हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। सो दोस्तों, मैं हूं दल कुमार और आप देख रहे हैं स्काई गेमर, जिस वीडियो पर मैं आज बात करने वाला हूं 5 प्रो टिप्स के बारे में कि अगर ये आप 5 प्रो टिप्स आजमाते हो तो आप तुरंत ही हीरोइक में पहुंच सकते हो बिना किसी रुकावट के। और साथ में अगर ऐसा ही खेलते रहो दोस्तों ये टिप्स के मुताबिक, तो आप ग्रैंड मास्टर में भी पहुँच सकते हो। तो दोस्तों, सिर्फ आपको करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको ये 5 प्रो टिप्स के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। सो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हमारे इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। भाई लोग, सबसे पहले ट्रिक है कि आपको शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज में कौन सी गन रखनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर शॉर्ट रेंज में अगर दिखने जाओ तो MP40 और शॉर्ट गन, यहाँ पर ये दो गन के मामले में कोई भी बेहतर शॉर्ट रेंज में गन नहीं है। क्योंकि अगर आप गेम खेलते हो तो आप जानते हो कि अगर शॉर्ट रेंज में हम गन दिखे तो शॉर्ट गन और MP40 के सामने कोई भी दूसरी गन यहाँ पर बेहतर नहीं है। तो दोस्तों, या तो आप शॉर्ट गन रखें या फिर MP40 रखें। लेकिन दोस्तों, मैंने यहाँ पर तो क्या, मुझे तो MP40 यूज़ करने आती है, लेकिन मैंने शॉर्ट गन से भी यहाँ पर वीडियो शूट किया है क्योंकि शॉर्ट गन का भी मुझे वीडियो दिखाना था कि शॉर्ट रेंज में अगर आप शॉर्ट गन भी रखते हो तो भी बढ़िया है। तो दोस्तों, यहाँ पर या तो आपको शॉर्ट गन चलाने आते तो शॉर्ट गन रख सकते हो, या तो आपको MP40 चलाने आती तो MP40 रख सकते हो शॉर्ट रेंज में। दोस्तों, ये दोनों गन के मामले में कोई शॉर्ट रेंज में अच्छी गन नहीं है। इसके बाद अब बात करते हैं लॉन्ग रेंज की। तो लॉन्ग रेंज की हम गन की बात करें तो यहाँ पर बिना स्किन की स्कार है, क्योंकि इस कार के मामले में बिना स्किन की अगर कोई भी गन दिखे ना तो स्कार इतनी अच्छी है कि बात ही मत करो दोस्तों, बहुत बढ़िया है स्कार। इसके बाद आपको क्या करना है, लॉन्ग रेंज में आपको बिना स्किन की स्कार रखनी है। अगर स्कार की आपके पास स्किन है तो भी बढ़िया है, लेकिन स्किन के मामले में देखें तो डेयरगन के मामले में कोई अच्छी गन नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर बिना स्किन की आपको लॉन्ग रेंज में स्कार रखनी है क्योंकि वही अच्छी गन है लॉन्ग रेंज में, फार्मस इतनी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली ट्रिक। भाई लोग, अब हमारी सेकंड ट्रिक है लैंडमाइन को आपको अच्छी तरह से सेट कहाँ करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये मैं हाउस में ठहरा हूँ वो हाउस है पीक में, साथ में दोस्तों ये ऐसा ही हाउस आपको पोचिनोक में मिल जाएगा। तो यहाँ पहले मैं ये हाउस की बात कर देता हूँ कि ये हाउस में आपको यहाँ पर कैसे लैंडमाइन को सेट करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, पहले तो आपको लैंडमाइन इकट्ठी करनी है। बाद में दोस्तों, यहाँ पर आपको जो यहाँ पर जो आने का गेट दिख रहा है, हमें जो ये डोर दिख रहा है, डोर के बीचों बीच आपको लगाना है सेंटर में। यहाँ पर दोस्तों, सेंटर में अगर आप लैंडमाइन लगाओ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और बंदा तुरंत ही नॉक हो जाएगा, क्योंकि दौड़ के आएगा तो तुरंत ही नॉक हो जाएगा। बाद में यहाँ पर दूसरा लैंडमाइन आपको इधर सेट करना है ताकि यहाँ पर भी बंदे को पता ना चले। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है दोस्तों, अगर बंदा राइट साइड में गया तो दोस्तों बंदा तुरंत ही नॉक हो जाएगा क्योंकि उसको को पता नहीं होगा कि यहाँ पर लैंडमाइन बिछा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये दोनों हाउस में आपको ऐसी तरह से लैंडमाइन को सेट करना होगा। बाद में आप किसी भी जगह अगर लैंडमाइन सेट करना चाहो तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर आप बंदा आए तो बंदा दिख ना पाए कि यहाँ पर लैंडमाइन सेट है, उसी आपको जगह को ढूंढ कर यहाँ पर आपको लैंडमाइन सेट करना होगा। ये हाउस में दोस्तों, ये दो तरीके से अगर आप लैंडमाइन को सेट करते हो तो दोस्तों बंदा नॉक होएगा। यहाँ पर जो देखिए, बंदा नॉक हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी दूसरी ट्रिक। भाई लोग, अब तीसरी ट्रिक है यहाँ पर ऑयल बैरल। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, अगर आपका आखिरी जोन है वो ऑयल बैरल के पास आया तो आपको क्या, यहाँ पर आपको कैसे खड़ा होना है ऑयल बैरल के पास। दोस्तों, इसके पास यहाँ पर ऑयल बैरल के पास खड़ा होने के लिए आपके पास जरूरी है ग्लू वॉल। अगर आपके पास ग्लू वॉल नहीं है तो दोस्तों आप यहाँ पर ऑयल बैरल के पास खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ऑयल बैरल का आपको पता है कि हमें ब्लास्ट कर देता है। तो यहाँ पर आपको ग्लू वॉल को कहाँ पर सेट करना है, यहाँ पर ऑयल बैरल है उसके बीचों के बीच यहाँ पर आपको ग्लू वॉल को सेट करना है। अगर आखिरी जोन यहाँ पर आया तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, बीचों के बीच आपको पहले तो आपको ये ग्लू वॉल को सेट कर देना है ऑयल बैरल के पास। तो यहाँ पर बीचों बीच सेट करके सिर्फ आपको करना क्या, अगर आप किस बीचों बीच सेट करके आप ऑयल बैरल को ब्लास्ट भी करते हो दोस्तों तो कुछ आपको डैमेज नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर जो लैंडमाइन हमने ग्लू वॉल बिछाया है बीचों बीच वही यहाँ पर ब्लास्ट कर देगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों,
ये मैंने ऑयल बैरियर को ब्लास्ट कर दिया लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी मैं दूसरी बार भी दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर कोई भी जगह आखिरी जोन ऑयल बैरियर के पास अगर आता है तो सिर्फ आपको करना क्या है, आपके पास ग्लू होल होना चाहिए। ग्लू होल होता है तो दोस्तों आपको सिर्फ करना क्या है, आपको ऑयल बैरियर के पास जाके आपको उसके बीचों बीच आपको ग्लू होल को सेट कर देना। अगर आप बीचों बीच सेट कर दोगे तो ये ब्लास्ट नहीं होगा, ब्लास्ट होगा तो भी आपको कुछ डैमेज नहीं देगा। तो दोस्तों ये थी हमारी तीसरी ट्रिक। अब फोर नंबर की ट्रिक है यहाँ पर फ्री फायर का सेटिंग। तो दोस्तों सेटिंग आप कुछ मेरी सेटिंग भी रख सकते हो साथ में, अगर आपको यहाँ पर सेटिंग चॉइस करनी है तो आप यहाँ पर मैं बताता हूँ दोस्तों। अगर आपके पास फुल HD+ डिस्प्ले है तो आप अल्ट्रा पे खेल सकते हो, वेरी ब्राइट और हाई में खेल सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास HD+ डिस्प्ले नहीं है तो अल्ट्रा खेल सकते हो लेकिन थोड़ा सा लैग होगा। इसके अलावा आप स्टैंडर्ड खेले वही बेहतर है क्योंकि स्टैंडर्ड में भी इतनी क्वालिटी अच्छी मिलती है, HD+ है तो ही आप अल्ट्रा में खेलिए। अब सेंसिटिविटी की बात करते हो तो दोस्तों ये हमारा मेन सेटिंग है। अगर गेम प्ले का मेन सेटिंग देखें तो ये मेन सेटिंग है, इसके मुताबिक अगर आप रहते हो तो दोस्तों आपको बढ़िया यहाँ पर आपको गेम प्ले मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पहले बात करता हूँ रेड डॉट, 2X स्कोप, 4X स्कोप और AWM स्कोप। ये जहाँ पर चारों चीज़ें यहाँ पर ये जो चार आइटम यानी कि रो है उसको आपको चारों ऑप्शन को आपको 14 के 50 के अंदर रखना है, यानी कि 40 से 50 के अंदर। यहाँ पर 40 से 50 के अंदर कोई भी यहाँ पर आप अंक लगा सकते हो, 50 भी रख सकते हो या तो कोई भी यहाँ पर लगा सकते हो, आप मेरी सेटिंग भी रख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर इससे क्या होता है कि रोटेट कम होता है, यानी कि किसी भी बंदा जा रहा है तो आप उसके ऊपर स्कोप लगाएंगे तो फायर करेंगे तो आराम से जिस तरह से बंदा जा रहा है उस तरह से ये फायरिंग करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये सेटिंग बेहतर है। इसके बाद ऊपर की ओर जो जनरल सेटिंग है वो आपको अपनी डिस्प्ले के मुताबिक आपको चॉइस करना होगा क्योंकि ये यहाँ पर स्मूथ टच और यहाँ पर रैम के मुताबिक ये रहता है जनरल, क्योंकि अगर आपके पास 4GB रैम और 64GB स्टोरेज है तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप 70 रख सकते हो, वरना तो आप यहाँ पर इससे जनरल से होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका रोटेटिंग है वो आपको तुरंत आप कैसे रोटेट होता है उससे आपको यहाँ पर रोटेट मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो आपको अपने मोबाइल के हिसाब से आपको चेक करना होगा कि मेरा रोटेट कितने में, यहाँ पर कितने अंक रखता हूँ तो मैं तुरंत रोटेट हो जाता हूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंट्रोल के बारे में। तो यहाँ पर कंट्रोल की सेटिंग में ये रखता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों मैं कंट्रोल में ये सब ऑन रखता हूँ और कोई ऐसी चीज़ है उसको ऑफ रखता हूँ। उसके बाद ऑटो पिकअप की सेटिंग देखा तो ऑटो पिकअप की सेटिंग में यहाँ पर मैं ये चीज़ को यहाँ पर ऑन रखता हूँ और जो 7 नंबर की चीज़ है यानी कि 7 नंबर का ऑप्शन है उसको मैं यहाँ पर ऑफ रखता हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी 4 नंबर की ट्रिक जो थी सेटिंग। हेलो, अब 5 नंबर की ट्रिक है स्विमिंग टेक्निक, यानी कि आप स्पीड में स्विमिंग कैसे लगा सकते हो उसके बारे में मैं इस वीडियो में यहाँ पर 5 ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों ये कितनी स्लो तरह से स्विमिंग कर रहा है, लेकिन दोस्तों आपको पता हो तो कितनी बार यहाँ पर जोन आता यानी कि आखिरी जोन यहाँ पर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्पीड स्विमिंग कैसे करना उसके बारे में बताता हूँ। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पर जो गन का एक्सचेंज है उसको आपको गन को एक्सचेंज करना है, आपको किनारे तक पहुंचना है या फिर अंदर किसी भी जगह यहाँ पर पानी के अंदर भी जाना है तो आपको तुरंत स्पीड में जाना है तो आपको सिर्फ गन को एक्सचेंज करना होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों सिर्फ आपको करना क्या है, गन को एक्सचेंज करना है। सो दोस्तों ऐसे ही आप गन एक्सचेंज करते रहो तो आप तुरंत किनारे पहुँच सकते हो। तो दोस्तों ये थे हमारी 5 नंबर की ट्रिक कि आपको स्पीड में आपको स्विम कैसे करना है। तो दोस्तों अगर आप पानी के अंदर जाना चाहो तो भी इसी तरह से आप जा सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो पे। सो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि ये ट्रिक के बारे में, और हमारे चैनल पे न्यू आए हो तो फटाफट से यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में दिखने वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे, क्योंकि ऐसे वीडियो मेरे चैनल पर लाता रहता हूँ हर बार। सो थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम।